तो हेलो गाइस, एक बार फिर से हम हाजिर है एक नई वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त योद्धा बाबू। आज इस वीडियो में थोड़ी बूम बाम होने वाली है, तो आगे एंड तक ज़रूर देखना। तो हम उतर चुके होते हैं मिल्टा में। हमें स्क्वाड एक मिल जाती है, यहाँ पे दिख जाती है ऊपर से कि एक स्क्वाड आ रही है। तो हम इनको थोड़ी मिनिमम लूट के साथ बजाने चले जाते हैं। पीछे एक सांप ने मुझे गिरा दिया, जो मुझे भी नहीं पता था। और ये लौंडा अंधा घुस गया मेरा लौंडा, जिसका नतीजा मौत। तो यहाँ थोड़े बंदे पेलने के बाद, यहाँ लूटने के बाद हम प्लेयर चला दिए होते हैं, जिसकी वजह से बंदे आ जाते हैं और वो बंदा सीधा हमारे बंदे पे रश कर रहा होता है गाड़ी लेके। तो इसको भी हम थोड़ा संभालेंगे, क्योंकि हमारा लौंडा बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि मैं मार दूंगा, मतलब वो मार देगा। तो आगे देखो, थोड़ा होल्ड करता हूँ कि लाश बंदा कहीं सीढ़ी से ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा होता हूँ। पर मेरा लौंडा नीचे चला जाता है और ये बंदा तीन बंदों के बीच में फंस जाता है। तो इनको ठिलाने के बाद हमारे बगल में ड्रॉप को देख के और एक स्क्वाड आ जाती है, जिनको हील करके हम पेलेंगे। दो फुटे पेलना स्टार्ट कर चुके हैं एक्चुअली। तीन फुटे मेरे लौंडे ने इतने नेड बरसा दिया कि उनका जीना मुश्किल हो गया और ये जी ही नहीं पा रहा, ये नॉक पड़ा है। ये होता सामूर है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इसके में। तो मैं इधर नीचे जा रहा होता हूँ कि अपने लौंडे को कवर दूंगा पीछे जाके। वो एक बंदे वो फेल चुका होता है, पर खुद भी शहीद के नज़दीक आके शहीद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें टाइम मिल जाता है अंदर घुसने का और जाके हम लास्ट बंदे को भी पेल दिए होते हैं। तो यहाँ थोड़ी लूट करने के बाद सामने हमारे स्क्वाड आ जाती है, गाड़ी ठोक देते हैं, ऊपर चढ़ रहे होते घर के। तो हम आराम से बूम बाम करेंगे नेट के साथ। जरा कत ओपी वाली नेट देखो, देखो नेट, अरे नेट से पहले देखो फिगर रहा है। तो यहाँ हमने अपने दो नेड से दो बंदे गिरा दिए होते हैं, जिसकी वजह से हमें रश करना ही था। तो घुसते हम घर पे, ऊपर कूद गया तुम्हारे लक्ष्य में। ओह गॉड, वो साइड से चढ़ के जा। इनका एक बंदा पीछे से भाग लिया होता है अपने बंदों को नॉक देखकर। ऐसे टीममेट भगवान करे किसी को ना मिले। नॉक वालों को फिनिश करते, अपना किल कंफर्म करते, फिर उसको ढूंढेंगे। हमारे मरे हुए बंदों ने ही ढूंढ लिया है उस बंदे को। मैंने हेड देखा था, वही है पीछे ही है। तुम्हारे नेट डाल, हमारे टीम में ओपी ग्रेनेडियर भरे हैं। यहाँ पे सफाई करने के बाद हम जाते हैं आगे स्क्वाड हाउस में, रुकते हैं। तो यहाँ पे हम पर तीन बंदों की स्क्वाड ने पुश कर दिया होता है, जिसका एक बंदा हमारा बंदा ले जाता है और ये बाकी दो चढ़ रहे होते हैं, जिनके साथ बहुत पूरा होता है। ओ भाई फूट गया, अरे फूट गया नेट से, फूट गया ओपी। इसे कहते हैं अंधे रश का बुरा नतीजा। क्या मारा बे बाबू भाई, ये तीनों हां कोई एक पकड़ लेते हैं। तो इनको भी सफाई करने के बाद हम आगे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वहां से फायरिंग की आवाज आ रही होती है हमें स्क्वाड हाउस की तरफ से। तो हम यहां वॉच टावर पे रुक के देख रहे होते हैं कि कहीं राइट से कोई बंदा तो नहीं है, ताकि हम लेफ्ट वाले को पेल सके अच्छे से। आगे देखो, पहले कान एंट्री को मार ना, मारे जा रहा हाला। इसको एक बार एक टेक दे बस, चुप हो रहा है।
तो ये बंदा आराम से पिक करके इतनी देर से देख रहा होता है कि मैं मजाक पर मजाक इसके साथ ही हो गया होता है। पर हमारे वॉच टावर और उस बॉर्डर्स के बीच में पत्थर में एक और लौंडा होता है जिसको मैं देख चुका होता हूँ, पर मेरे बंदे को हवा चढ़ा हुआ है कि जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। चलो चलो, पर इसको पहले मैं नॉक करूंगा फिर ही जाऊंगा। अब चलते हैं, राइट लेफ्ट करता हो जाइयो, सीधा मत घुसियो, मत जाओ वरना। लेफ्ट में कूद गया, कहाँ स्प्रे दे रहा है, घर के ऊपर चढ़ जाओ और अच्छा व्यू आएगा। और यहाँ ये दो बंदों को मारने के लिए मैंने भैंस की तरह हक दिया होता है, इनको मारने के बाद अरे तू चढ़ चढ़ मैं अपने घर के ऊपर फ्लोर पे टॉप रूफ पे चढ़ जाता हूँ ताकि मुझे व्यू मिल सके। जो लास्ट स्क्वाड बची है हमारे लेफ्ट साइड में आ जाते हैं, उनको भी तरह खेलेंगे आगे। देखते पहले स्प्रे में मैंने हग दिया होता है, फिर मैं उसको नेट से मारूंगा, पर उससे भी बच जाता है ये लौंडा। पर इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना तो मैं आपको बता देता हूं। बाबू बताओ तो सही कहां है, लेफ्ट में ईस्ट ईस्ट। बाबू एक लेटा हुआ है फुल लेफ्ट, पूरे लेफ्ट में लेटा है पेड़ के पास। ओ भाई ये बंदा कतई जहर होता है, सोचता है लेफ्ट की तरफ फ्लैंक करके मैं इसको मार दूंगा ऊपर वाले छत वाले को, पर इसको क्या पता कि अपर रिज और लोअर रिज में फर्क होता है। पूरा लेफ्ट देख, सामने बंदा है जो आज के बाद ये फर्क समझ जाएगा। यही सामने देख, हां यही सामने देख, 105 पे पूरा। तो मेरे सामने और दो लौंडे बचे होते हैं, 2v2 का सिचुएशन होता है, मुझे बंदे पता है कि वहां है पर दिख नहीं रहे होते मुझे अच्छे से। तो मैं सोचता हूं एक पहले नेड करता हूं फिर मैं देखूंगा कहां या मूवमेंट हो रहा है। तो नेड करते हैं, इसकी वजह से मुझे डैमेज भी सहना पड़ता है, वो लेट के पता नहीं कहां से फायर दे रहा होता है। अरे हां भैया, हां सुन लिया। मैं पहले हील करूंगा फिर देखूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से जोन आ रहा होता है, उनको जोन में आना होता है। आई नीड अ मैग। आओ बूस्ट कर, फुल बूस्ट कर, फुल बूस्ट कर। तो वो बंदा मुझे फाइनली दिख जाता है मूव करता हुआ। अब इसको पेलेंगे, चटकाएंगे अच्छे से, फॉर्म पटाना इसके साले को। मार मार थी। अगर आपको ये लगे अच्छा है तो कृपया कमेंट में बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।